Hey, what is up guys, this is Z Gaming. Operation Motherland Ghost Recon Breakpoint की न्यू डी एल सी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें हमें कौन सी अपडेट्स मिलेंगी और कौन से न्यू फीचर्स मिलेंगे. सो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑपरेशन मदरलैंड के ट्रेलर में इन्होंने एक थोड़ी सी क्लिप दिखाई है जो कि एक ऑप्टिकल कैमो सूट की है. जैसे कि हमें गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर में दिखाया गया था कि हमें एक स्टेल्थ क्लॉक सूट मिलता है एंड हम जो है एक स्टेल्थ क्लॉक मोड में चले जाते हैं, वैसे ही हमें इस गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट की डीएलसी ऑपरेशन मदरलैंड में दिखाया गया है जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जो कि हमें वाइल्ड लैंड्स में भी नहीं मिली थी. वाइल्ड लैंड्स में जस्ट एक डीएलसी में एक सोल्जर को दिया गया था लेकिन हमें कोई ऐसा स्टेल्थ क्लॉक सूट नहीं मिला था. एंड ये अब यूबीसॉफ्ट पे डिपेंड करता है, गोस्ट रिकॉन फ्रेंचाइज पे डिपेंड करता है कि वो हमें एक एडिशनल क्लास देंगे जैसे हमारे पास असॉल्ट और एशलॉन क्लास है, या फिर ओवरऑल गेम में एक एडिशनल फीचर देंगे जैसे गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर में दिया गया था हमें कि हम जब भी अपनी मर्जी से स्टेल्थ क्लॉक मोड में जा सकते थे. और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गोस्ट रिकॉन एनिवर्सरी पे ये अनाउंस किया गया था कि ये तीन सूट्स हमें इस ऑपरेशन मदरलैंड के साथ दिए जाएंगे. देन हो सकता है कि इन सूट्स में ही ऑप्टिक कैमोफ्लाज हो, ऑप्टिक स्टेल्थ मोड हो, जो कि हमें गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर में दिखाया गया था, बिल्कुल वैसा ही सूट हमें इस ऑपरेशन मदरलैंड में दिया जाएगा. सो गोस, अगर आपको लगता है कि हमें इस ऑपरेशन मदरलैंड के साथ और भी अपडेट्स मिलनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा. सो अगली वीडियो में मिलेंगे ऑपरेशन मदरलैंड की अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.